कुल्लू मनाली जहां एक और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं यहां पे कई देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। तभी तो कुल्लू घाटी को देव भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं मनाली के पास ढूंगरी नामक स्थान पर ऐतिहासिक हडिम्बा टेम्पल, और दिखाएंगे कि आखिर ये जो मंदिर है क्यों ऐतिहासिक है और कैसे इसका निर्माण हुआ है और कैसे जो महाभारत काल से इसका जो जुड़ाव है, आखिर कैसे इसका जुड़ाव महाभारत से। आइए सीधे मंदिर की ओर चलते हैं। माता हडिम्बा के मंदिर में रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है, साथ ही साथ जो सैलानी, जितने भी सैलानी जो मनाली घूमने आते हैं यहाँ पे आना नहीं भूलते, क्योंकि ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइन लगी हुई है अभी भी जो है, जो जितने भी जो सैलानी व श्रद्धालु है, पूरा मंदिर जो चारों तरफ से जो है लाइन लगी हुई है। हालांकि जो ये जो यहाँ से फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, अंदर जो मुख्य द्वार है उसके अंदर जो है फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन जो जितने भी जो सैलानी अंदर जाएंगे या श्रद्धालु अंदर जाएंगे वो जो है वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। खासकर जो माता हडिम्बा माता के जो 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 पैरों के जो निशान जो शिला पे है वो जो है कहा जाता है कि वो उसी समय के महाभारत कालीन उसी समय के हैं, और जो पैरों के निशान, साथ ही साथ जो चट्टान जो है वो भी उसी समय की है। हालांकि ये जो मंदिर 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह द्वारा, कुल्लू के राजा द्वारा बनाया गया है। आइए कुछ सैलानियों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है वो किस तरह से जो है किस भक्ति भाव से यहाँ पहुँचे हैं। आप बताइए जी कि आपने दर्शन कर दिए? लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, कैसा लगा आपको जो ये मंदिर का जो नजारा था? बहुत ही अच्छा, ऐतिहासिक है, ये महाभारत कालीन बताया जाता है। काफी अच्छा लगा मंदिर, क्योंकि महाभारत का हम सुनते थे पहले, हमको हडिम्बा माता के मंदिर कभी आए नहीं थे। ये काफी लोगों का भीड़ लगा हुआ है, अंदर आप जाओगे आपको एक महसूस होगा कि कुछ एक शक्ति का एक आभास होता है वहाँ पे। तो हम लोग तो पहली बार आके देखे हैं। फिर कहाँ से आए, बंगाल से? नहीं, हम लोग आए हैं दिल्ली से। कुछ और भी सैलानी है, आप लोग बताइए जी कि कहाँ से आए हैं और स्पेशली जो है भक्ति भाव लेके आए होंगे। पहले सुना था आपने माता, हम लोगों ने यहाँ मंदिर की बहुत तारीफ सुनी है, सुना है यहाँ पे आकर के बड़ी मन की शांति मिलती है और आपके अंदर जितनी भी चिंताएं हैं सब यहाँ पे दूर होती हैं। तो हम लोग बहुत खुशी से यहाँ दर्शन करके आए हडिम्बा माता के। कानपुर से यूपी से है वो मैं जी। हाँ, यहाँ मंदिर की बहुत मान्यता है। माता से दुआ करता हूँ कि हमारे जितने कष्ट हो सब दूर हो, हमारी मनोकामनाएं पूर हों। आप बताइए मैम, किस तरह से जो है, आपने पहले भी सुना होगा कि ऐतिहासिक मंदिर है जी। अभी आपने अंदर दर्शन तो नहीं किए होंगे, नहीं, नहीं। लेकिन जो मन में जो एक जिज्ञासा थी उसके ही वो दूर हो गई आपकी? यस यस सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम दर्शन करने अंदर जा रहे हैं, हम जो भी हमारी मन्नत हो माता की तरफ से पूरी हो, दोबारा हम जरूर यहाँ पे आना चाहेंगे। बहुत मतलब अच्छा लगा, अभी हमने दर्शन नहीं किया, हम देखने जा रहे हैं कैसा क्या है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग इंडियन न्यूज से, बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पहुँचे? अभी तो पहुँचे, अभी घूमने तो दीजिए, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस। बाहर से देखा होगा कैसा लगा? बहुत अच्छा, रिलैक्स, पीस, मतलब शांति मिलती है। और यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि अगर आप मनाली आते हो और यहाँ के दर्शन ना करो तो आपकी मनाली की ट्रिप अधूरी रहेगी। तो जब आए हैं तो मत्था तो जरूर टेकना जरूरी है। ये कौन से चैनल पे आएगा? इंडियन न्यूज़ पे आएगा। और हमने इसके बारे में ये भी सुना है कि जो मनाली आता है उसको माँ के दरबार में जरूर आना चाहिए, नहीं तो उसकी यात्रा अधूरी है। लोग घूमने के मकसद से आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सब देशवासियों को कि जो मनाली आए पहले माँ के दर्शन करें, उसका जो ट्रिप करना वो करिए। तो ये जो है काफी सैलानी काफी यहाँ पे आए हैं, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। खासकर आप देखिए ये जो मंदिर के चारों ओर जो है पूरी लाइन लगी है, और वो जो लाइन है यहाँ तक जो है करीब अभी भी सैकड़ों लोग जो है लाइन में खड़े हैं। कुछ लोगों से इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है क्या भाव लेके ही आए हैं। आप लोग बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? मंदिर में काफी लंबी भीड़ लगी है। हाँ जी,
यहाँ मंदिर के बारे में सोच रखा होगा आपने कि काफी ऐतिहासिक है, सुना था पहले काफी भी आपने? यस, काफी ऐतिहासिक है, मैं कम से कम 7वीं या 8वीं बार यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, पहले आए होंगे, मन्नत की होगी पूरी? पूरी होती है, पूरी होती है, हिडनबामा सभी की मनोकामना पूरी करती है। तो अभी काफी लंबी लाइन लगी है आज, तो कोई बात नहीं, जितनी भी लंबी लाइन लगी रहे वेट करेंगे, दर्शन करके जाएंगे माता, जब माता ने बुलाया दर्शन करेंगे, दर्शन तो बनता है ना, दर्शन करने तो बनते हैं। पहली बार आप भी? नहीं, पहली बार आए, बहुत टाइम बाद आए, काफी टाइम बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वैसे भी ये मनाली की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है, काफी फेमस है, सो यहाँ आना बनता है। जितने भी जो श्रद्धालु है चाहे सैलानी है लगातार आ रहे हैं, जो जिस तरह से मनोकामनाएं पूरी हो रही है, जिस तरह कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि इनकी मनोकामना पूरी, आइए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं और क्या भक्ति भाव लेके यहाँ पे आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं, मनाली में तो हमारा 13th या 14th ट्रिप है, एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, हिडिंबा टेम्पल तो यहाँ का मेन है, अगर यहाँ नहीं आते तो फिर कहाँ, मतलब मनाली का सबसे मेन पार्ट है ये। आप लोग बताइए, यूथ हैं आप लोग, फिर भी भक्ति भाव है मन में, लंबी लाइन भी लगी हुई है। हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ, तो बहुत सुना है हिडिंबा टेम्पल के लिए, सो वही बोलते हैं यहाँ पे सब लोग विशेष मांगते हैं तो अच्छा होता है, तो वही फिल्मों में भी देखा होगा, शूटिंग भी कई बार। हाँ, बहुत फिल्म्स में देखा भी है वही। अच्छा, थैंक यू। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी है, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो है कैसा आखिर यहाँ पे जो इनके आने का उद्देश्य, आप बताइए जी कि आप यूथ हैं, मंदिर आए हैं, हिडिंबा टेम्पल आए हैं जी, लंबी लाइन लगी है, काफ़ी पेशेंस से बैठे हुए जितने भी जो लोग बैठे जी जी जी, क्या मन में भक्ति भाव क्या लेके आए? काफ़ी दूर से आए हैं और अभी तो दिल्ली से आए हैं, वैसे दार्जिलिंग में रहते हैं, ठीक है, और हाँ दार्जिलिंग से आए हैं और यहाँ पे हिडिंबा टेम्पल काफ़ी नाम सुना हुआ है तो उसको देखने आए हैं, और काफ़ी भक्ति भाव है एंड काफ़ी देर से लाइन में लगे हैं, बट स्टिल वेट कर रहे हैं जाने के लिए। बच्चे लोग बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, टेम्पल पे आके? अभी आया, फर्स्ट टाइम आया मैं। फर्स्ट टाइम आया? हैदराबाद से आया। हैदराबाद साउथ से? एकदम साउथ से। तो लगातार जितने भी जो सैलानी है चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, तमाम जितने भी जो देश के जो सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे आना जो है नहीं भूलते, क्योंकि जो हिडिंबा टेम्पल है इसका एक अपना इतिहास है, खासकर जो महाभारत काल जो काल है उससे जो जिस तरह इसका जो जुड़ाव है जो है उसके कारण जो है काफ़ी लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर जो है वो जो हिस्ट्री है यहाँ पे आके जो है जानने की कोशिश करते हैं, और मंदिर भी जो है मंदिर में जिस तरह की जो कलाकृति यहाँ पे है उसको देख के भी जो जितने भी जो श्रद्धालु है हो या सैलानी हो भाव विभोर हो उठते हैं। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ कमलेश वोत, इंडिया न्यूज मनाली। हिडिंबा मंदिर की क्या इतिहास है, क्या स्टोरी है, इस पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी रमेश शर्मा जी। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। शर्मा जी ये बताइए कि काफी फेमस टेंपल है ये, लगातार सैलानी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, लंबी लाइन लग रही है, थोड़ा सा इतिहास जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास है इस मंदिर का? नमस्कार, देखिए इस माता का संबंधित जो है महाभारत से है, सीधा महाभारत से है, जिसमें महाभारत में जैसे ये भीम जी की पत्नी और घटोत्कच की माता जी के रूप में बताया है, तो इसका इतिहास ऐसा रहा है कि जैसे जब वर्णावत में ये इनके लिए लाख रहे पांडवों के लिए बनवाया था, उसके बाद ये वहाँ से बच के सीधा निकले थे हिमालय की तरफ, और वहाँ से जब वो आए तो ये एक बनी था जहाँ पर हिडिंब और हिडिंबा का राज्य हुआ करता था। ये उस वो महाभारत काल के समय की बात है? हाँ, महाभारत काल के समय की बात है। तो इन दोनों भाई बहन का राज्य हुआ करता था, तो जब वो यहाँ उन्होंने उनकी तरफ आ गए उस वन में, तो उनको हिडिंब को जो है वो गंध आती है मनुष्य की, तो उन्होंने जो है हिडिंबा को भेज दिया कि भाई जाके देखो आप मनुष्य की गंध आ रही है, तो मेरे को वो आदमी खाया करते थे शिकार के लिए। हाँ जी, तो फिर हिडिंबा देखने गई, तो जैसे वो देखने गए तो पांचों पांडव में उनको जो है भीम जी काफ़ी उनको देख के आकर्षित हो गए, वो मन ही मन में उनको प्रेम भी हो गया, तो
उसके बाद जो है उनका थोड़ा सा मन भी उनके प्रति वो हो गया, नरम हो गया कि, तो उस समय वो विश्राम भी कर रहे थे, तो फिर जब वो जैसे ही जागे तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आपको जो है शिकार के, काफ़ी टाइम हो गया जब वो आई नहीं वापस, तो वो इड़न भी आ गया उधर, तो इसी बीच जो है उनका जो है भीम और हिरण का आपस में द्वंद्व जो हुआ वो काफ़ी लंबा चला। उसके बाद जो है भीम जी ने उसको मार दिया था, फिर उसके बाद तत्पश्चात फिर जब अकेले हो गए हिडिंबा जी, उन्होंने जो है शादी का प्रस्ताव माता कुंती से रखा, तो उन्होंने विरोध भी किया कि भाई अब ये कैसे हो सकता है, तो काफ़ी देर वो करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी ये करके, तो एक वर्ष का खाली वो उनसे वो मांगा कि भाई एक साल तक जो है भीम जी आपके साथ रुकेंगे, उसके बाद जैसे ही पुत्र प्राप्ति होगी वो चले जाएंगे, तो ऐसी शर्त हुई उनके बीच, फिर वो चले गए, तो भीम जी रुके और बाकी सब चले गए। तो बस उसके बाद जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भीम जी तो निकल गए, तो आगे महाभारत की युद्ध की तैयारी करनी थी, तो उनका एक बहुत ही बलशाली पराक्रमी पुत्र भी हुआ, घटोत्कच पुत्र हुआ, जो आगे चलकर महाभारत की तरफ से लड़ा था, पांडवों की तरफ से लड़ा, और कर्ण के पास एक ऐसी अमोघ शक्ति थी जो उसने अर्जुन के लिए रखी थी, और वहाँ पर जैसे ही भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जब शक्ति छोड़ने का समय आ गया, तो भगवान कृष्ण जी ने उसको याद किया कि भाई इस वक्त उसको जो है घटोत्कच को यहाँ बुलाया जाए, तब वो बीच में जाके उनके बीच में इतना शक्तिशाली था कि वो विवश हुआ, कर्ण ने जो है जो शक्ति अर्जुन के लिए रखी थी वो उसके ऊपर छोड़ दी, घटोत्कच तो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद हिडिंबा जी बिल्कुल अकेले हो गए, तो उन्होंने जो है कृष्ण जी के पास जाके कहा कि भाई अब मेरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जाके आप तपस्या करो, आपको कलयुग में सबसे शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाएगा, तो उन्होंने वैसा ही किया। तो ये जो मंदिर है ये पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक शिलाईनुमा जगह थी, एक छोटी सी गुफा थी माता की, उसी के नीचे बैठ के उन्होंने हजारों वर्ष तप किया, शक्ति के लिए तप किया, शक्ति के लिए तप किया, शक्ति का ही रूप ले लिया, आज जो है इनकी शक्ति में पूजा हो रही है, दुर्गा और काली का रूप इनका उसके बाद मिल गया उनको, और इनके साक्षात सुंदर चरण पादुका है जिनकी रोज पूजा होती है, और महिषासुर मर्दिनी एक माता जी की मूर्ति है, और विशाल चट्टान जिसको अंदर ये पिंडी रूप में मानते हैं वो भी इस मंदिर के अंदर ही है। उसके बाद जो मंदिर बनाने का ये है कि ये कुल्लू के राजा, उनको जो है ये माता जी का जितना भी यहाँ राज्य था वो सब कुल्लू के राजा को दे दिया था दान में। उसके बाद जो है उन्होंने इन्हीं के राजा के जो वंश के थे भ्यंगमणि पाल, उनको राज दिया। उसके बाद बहादुर सिंह उन्हीं के परिवार से थे, उन्होंने इसका ये मंदिर 1553 ईस्वी में बनाया था। तो अब ये पुरातत्व विभाग के देखरेख में है, बाकी सब लोग यहाँ पर देश विदेश लोकल लोग सैलानी देख रहे हैं आप, हर साल आते हैं, खूब भीड़ होती है, और अपनी मनोकामनाएँ माता जी के रखते हैं और पूर्ण भी होती है, तो इस तरह से है जी अंचलाल। आज के समय में ये पंडित जी बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो ये हिडिंबा एक यहाँ का सबसे बड़ा ये वो है यहाँ पर है, बाकी दूसरे भी स्थान है लेकिन सबसे जो आकर्षण है वो हिडिंबा का ही है यहाँ, क्योंकि का माता का ये हिमाचल प्रदेश में अकेला मंदिर है कि और भी मंदिर है? नहीं, मंदिर तो दूसरी जगह भी है लेकिन फेमस यही है, हाँ जी मशहूर यही है, तो और दूसरी जगह भी हिमाचल में मिलते हैं, दो तीन जगह जैसे लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, दूसरी जगह में मंदिर है, लेकिन मशहूर मंदिर यही है जिसका जो इतिहास भी है सब कुछ मैंने आपको बताया, तो ऐसा ही शुक्रिया। माता हिडिंबा के चौखट पे आते ही हमें महाभारत कालीन हिडिंबा बा भीम की प्रेम कहानी की याद आती है। कहा जाता है कि पांडव जब
अज्ञातवास के दौरान दर दर हिमालय की जंगलों में भटक रहे थे, तो कुछ समय उन्होंने हडिम्बा के इन्हीं जंगलों में बिताया था। इस दौरान जो है भीम की जो है हडिम्बा से मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों में प्यार हो गया था और कुछ समय के बाद उनकी शादी भी हो गई थी। हालांकि हडिम्बा राक्षस प्रजाति से थी, लेकिन अपने तप व त्याग से जो है वो देवी बन गई थी। इस मंदिर के बारे में एक जो है जानकारी ये भी मिलती है हमें कि ये जो मंदिर है ये बाद में बना हुआ है। ये 1553 में राजा बहादुर सिंह कुल्लू के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो है एक शिला है और शिला के साथ साथ जो है जो माता के जो पैरों के निशान जो है जो नीचे जो पत्थर है शिला पे उसमें पैरों के निशान है। और जो जिस तरह से कहा जाता है कि मंदिर जो है जब 1553 के बाद बना तो उसके बाद जो है ये जो धीरे धीरे जो है यहाँ पे लोग आते गए। और आज के समय में आपको बता दूं यहाँ पे सैकड़ों सैलानी जो है रोज आते हैं। अभी भी आप देखते हैं कि सैलानियों की लगातार कतार लगी हुई, आप उधर देख सकते हैं उस तरफ सैलानी जो है एक एक सैलानी जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर के पीछे, जो लाइन जो है काफी पीछे से लगी हुई आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रोज जो है सैकड़ों की तादाद में सैलानी लगातार आते हैं। खासकर जो है जितने जो टूरिस्ट जो मनाली आते हैं वो यहाँ पे ये जो मेन अट्रैक्शन है आज के समय में जो मनाली का जो लोकल साइट सीन है, यहाँ पे दिन भर जो है लगातार सैलानियों की जो है भीड़ बनी रहती है। और कहा यह भी जाता है कि जो भी श्रद्धालु जो है यहाँ पे अपनी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं उनकी जो मन की मुराद जो है ज़रूर पूरी होती है अपने सहयोग।